प्रेमा देवी। हाँ दीदी। अध्यक्ष दीदी, आज मीटिंग में तीन दीदी ना आयल हो तर चर्चा रखिए। कौन कौन दीदी ना आयल उनका नाम बता। प्रमिला देवी, रश्मि देवी। तीन दीदी कला ना लिखी ना ओहि पर चर्चा रखे के है। दीदी के बहुत एक अपना गाँव में कहला ना कहला दाँत में दर्द बढ़ते जा रहा। अपना गाँव में दाँत के बीमारी बढ़ रहा है। दीदी कल्ला न दांत के बीमारी के जांच के लेल कल्ला न कैंप लगवा लेल जाए। दीदी आही ना आते जीविका सहेली यहाँ अपने मदद कर दियो। ठीक है दीदी, दांत के डॉक्टर करै छी। कैंप में सब गोरा के आवे के है। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। दीदी अपने से के निर्णय रहले रह ना जे कैंप लागे के त कैंप लाग गेलै। खाली रखी जे डॉक्टर साहब आवे के त डॉक्टर साहब ल जोंदन दीदी के दांत में दर्द है, उ परेशानी है, उ आ चेक करा लूं। क्या दिक्कत है? दांत में दर्द है। कितना दिन से दर्द? साल भर से दांत में दर्द है। अच्छा। खाना खाने में भी तकलीफ होता बहुत है? दिक्कत है। पानी पीने में भी तकलीफ होता तन को ठंडा लग जाइए। मुंह खोलिए, किधर दिक्कत होता है बताइए। इधर। अच्छा, इधर। हाँ। एक सेकंड। कीड़ा लग जाना। आप बैठ जाइए, हम सब लोगों को शरण के बारे में बता देते हैं। और दीदी के तकलीफ है तो आके दिखा लू। आइए। क्या दिक्कत है आपको? दांत में दर्द करैया या ठंडा पानी से सिरैत रहैया। अच्छा। माने एनी टाइम दर्द करैत रहैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपना दांत दिखाइए, आ कीजिए। बैठ जाइए, हम बता देते हैं आपको जो तकलीफ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आप लोगों को हम शो है, हम लोग घर में आए दिनों जो खाना खाते हैं, चिकन मटन चॉकलेट जैसे ये सारे चीज़ें जो हम लोग खाता है, जिसके कारण से कैविटी की शुरुआत मतलब सड़न का स्टार्टिंग होता है, शुरू होता है। इस समय जो है मरीज को ठंडा या गर्म लगता है। दांतों में सड़न लगने का ये पहला स्टेज है जो दांतों के इनामिल सरफेस। सड़न जब दांतों के नसों तक पहुँच जाती है तब दांतों में बहुत काफ़ी जोड़ों से दर्द शुरू हो जाता है। इस समय मरीजों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर आप सलाह नहीं लेते हैं तो दांतों के जड़ में इन्फेक्शन बन जाएगा, उसके बाद आपका गाल या दांत फूल जाएगा। डॉक्टर साहब, सड़न से बचे के लिए हमरा सके की करे के होते है? सड़न से बचने के लिए सबसे पहले प्रत्येक खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें और रोजाना दिन में दो बार ब्रश जरूर करें। मीठा और चिपचिपा भोजन का सेवन ज़्यादा न करें। दांतों को कोयला, राख और ये सारे ऐसे चीज़ जिससे मिट्टी बालू ये सबसे दांतों की सफाई ना करें। तंबाकू का सेवन ना करें। मुंह की सफाई अच्छी ढंग से करें। जीभ की भी सफाई साथ साथ करें। 6 महीने पर हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। मुलायम ब्रश, ब्रिसल्स वाले ब्रश का इस्तेमाल करें। सही तरीके को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखिए। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा दांतों को ब्रश नहीं करना चाहिए। ब्रश करने के तरीके ये नीचे की ओर करेंगे हम ऐसे, ठीक है।
अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है, और अंदर से बाहर की ओर। डॉक्टर साहब, दांतों की बीमारी के बचाव के लिए इतना जानकारी दिए के लिए धन्यवाद।